हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया, आज के एपिसोड का नाम हमने रखा है द क्यूरियस केस ऑफ अनिल कपूर। फ्रेंड्स, अनिल कपूर के साथ क्या चल रहा है, क्या दिक्कत चल रही है, ये सभी लोगों के इंडस्ट्री में समझ के बाहर है। अब ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर ऑटोमेटिकली हो रहा है, या फिर उन्होंने अपना भाव इतना बढ़ा दिया है, या फिर इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है सब चीजों के पीछे? क्योंकि एक फिल्म समझ में आती है, दूसरी फिल्म ये तो दिमाग के बाहर ही एकदम गाइस। अब क्या सारी की सारी चीजें हैं आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सभी लोगों को पता है किस तरह से हाउसफुल 5 से अनिल कपूर ने यहाँ पर एग्जिट ले लिया गाइस। यहाँ पर तो ये सबसे बड़ी खबर थी कि अनिल कपूर चले गए हैं, अनिल कपूर नाना पाटेकर साथ में जो है वो नहीं आने वाले हैं। वेलकम में ऑलरेडी अनिल कपूर नहीं थे। अब गाइस सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर दे प्यार दे 2 जो है, जिसका सीक्वल है दे प्यार दे 1 का, उसमें सभी लोगों को मालूम है इट वॉज गोइंग टू बी अजय देवगन वर्सेस अनिल कपूर। बहुत बड़ा फियर्स बैटल होने वाला था एंड कहा जा रहा था कि अनिल कपूर रकुल प्रीत सिंह के पिताजी का रोल निभाने वाले हैं। एंड कल खबर आई कि अनिल कपूर इस फिल्म को छोड़ दिए। तो आफ्टर हाउसफुल 5 नाउ अनिल कपूर हैज लेफ्ट दे प्यार दे 2 एंड कहा जा रहा है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाई यूनिवर्स। तो गाइस देखने लायक रहेगा इन चीजों में कितनी सच्चाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे कम दे रहे हैं अनिल कपूर को, इसलिए वो खटाखट फिल्में रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि पर्सनल इक्वेशंस के वजह से वो यहाँ पर फिल्में रिजेक्ट कर रहे हैं, वो नाना पाटेकर के साथ काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनिल कपूर को ये फिल्म में ऑफर ही नहीं हुई है, मन घड़त मीडिया की कहानियां हैं ये, अनिल कपूर ये फिल्म कर रहे हैं, वो फिल्म कर रहे हैं। तो अभी क्या सच्चाई है ये मेरे समझ के बाहर है। ऑल सडन डन मेन खबर पर आते हैं। दे प्यार दे 2 इज लुकिंग सुपर्ब। हमने देखा किस तरह से यहाँ पर माधवन और अजय देवगन की जो केमिस्ट्री थी शैतान में वो ब्रिलियंट थी। एंड जब माधवन एंड अजय देवगन इस कॉमिकल ड्रामा में साथ में आएंगे, क्योंकि अब पार्ट 2 में अजय को यहाँ पर रकुल के परिवार को जो है वो जाकर मनाना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली हिलेरियस। तो गाइस देखने लायक रहेगा किस तरह से दे प्यार दे 2 हमारे सामने आती है। अब एक बड़ी फिल्म बनकर आ रही है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं वो फिल्म की जो अपने आप एक लेजेंड बनते जा रही है। नाउ जस्ट इमेजिन आई हैव अ संजय दत्त इन माई फिल्म, उसको निकाल के उसका रोल में सुनील शेट्टी को देता हूं, सुनील शेट्टी का जो रोल था वो मैं उसको यहाँ पर हटा के जैकी श्रॉफ को देता हूँ। फनी, दिस इज नॉट एट ऑल फनी। वेलकम के साथ जितनी भी चीजें हो रही है गाइस एकदम जबरदस्त तरीके से, क्या बोलूं मैं, मुंह में शब्द आ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। शब्द उनके हैं लेकिन बोल कोई और रहा है, उस तरह का सिचुएशन आ रहा है। संजय जिस किरदार में रखे गए थे उस किरदार को वेलकम में सुनील शेट्टी को दे दिया गया है, एंड सुनील शेट्टी का जो किरदार था वो जग्गू को दे दिया गया है। दिस इज एब्सोल्युटली मॉकरी। एंड गाइस ये जो खबर थी कि संजय पिक्चर छोड़ चुके हैं, ये बहुत पहले की थी, दिसंबर से ही जग्गू जो है इस फिल्म की शूटिंग जो है वो करना शुरू कर दिया था। तो ये गाइस जो मिक्सचर था ये दोनों फिल्मों का, मैंने सोचा आप सभी लोगों को यहाँ पे बता दूं। दे प्यार दे 2 जो है इसकी शूटिंग जो है अभी फिलहाल जून से शुरू हो रही है। अब गाइस अगली खबर पर आते हैं जो कि काफी सीरियस है। अब सभी लोगों को पता है किस तरह से प्रभास की, यानी कि उसकी जो आवाज है हिंदी में, उस शरद केलकर से अच्छा कोई दे नहीं सकता। हर फिल्म में शरद केलकर की आवाज ही उनपे सूट होती है, जिन फिल्मों में नहीं रहते हैं प्रभास खुद की वॉइस देते हैं उनमें जरा अच्छे नहीं लगते हैं। हिज वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शरद केलकर। शॉकिंग न्यूज ये सामने आई है, ऐसा लगा था कि कल्कि का जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद शरद ही उनकी आवाज जो है कल्कि में देने वाले हिंदी में है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर शरद का एक इंटरव्यू जो है वायरल हुआ है, उसमें कहा है I would love to dub for Prabhas voice in Hindi if I get a call from makers. नाग अश्विन तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी तुम्हारी। हाँ ट्रेलर में तो ठीक है, ओका सारी बुज्जी बुज्जी लव यू बुज्जी वो ठीक है बोलने के लिए, एक पूरा यहाँ पर वार्तालाप हिंदी में करना प्रभास के लिए बहुत हद तक कठिन हो जाता है। हमें देखा किस तरह से साहो में जो बड़े बड़े लाइंस थे, प्रभास वॉज नॉट एबल टू स्पीक दोज लाइंस, यू नो स्पेशली एक सीन था सुंदर लड़की क्या कर रही है यहाँ पर, ही कैन नॉट गेट दैट, यू नो। तो शरद केलकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्द से उनको साइन करना चाहिए,
शरद ने कहा है बहुत आसान है प्रभास के लिए डब करना, मुझे पता है किस तरह से प्रभास काम करता है, वो लार्जर देन लाइफ रोल जो है वो करता है, तो मैं सूट हो जाता हूँ। एंड गाइस इसी के कारण मुझे उनकी फिल्म के लिए डबिंग करना काफी अच्छा लगता है। प्रभास के फैंस भी सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू के बाद काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं एंड वो कह रहे हैं यहाँ पर मेकर्स से कि कृपया करके शरद केलकर को डबिंग करने दीजिए प्रभास की। अब फ्रॉम द क्यूरियस केस ऑफ अनिल कपूर टू द डब्बा बाटली टू द स्कैमिश केस ऑफ एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड फरहान अख्तर, जो जो पिक्चरें इनके बैनर में अनाउंस होती है सब डब्बा बाटली हो जाती है। झीले जरा क्या अनाउंसमेंट होती है, बाप रे बाप, आलिया कटरीना प्रियंका सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा था। उसके बाद टंग 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 छोटा डॉन डॉन 3 अनाउंसमेंट हुई, हाँ उसके बाद रणवीर की जितनी पिक्चर है एक्सेल के साथ अनाउंस हुई। बड़ी बड़ी पिक्चर अनाउंस करते हैं सारे जहां से, अच्छा फरहान अख्तर करने वाला है, ये फरहान ढिमकाना फरहान अख्तर कर रहा है, वो फरहान ढिमकाना फरहान अख्तर कर रहा है, बनाते क्या है छोटे फुकरे टुकरे। शाहरुख खान ने बोला था अरे मैं चाहता हूँ डॉन 3 बनाए लोग मेरे साथ, लेकिन ये लोग क्या फुकरे टुकरे बना रहे बैठ कर। तो ये ऑल सडन डन वो अलग चीज है। अब कल सडनली खबर आती है मीडिया में कि यहाँ पर वो जो पिक्चर थी झीले जरा उसको फरहान अख्तर जो है वापस रिवाइव करने वाले तो क्रू की सफलता देखने के बाद फरहान अख्तर को लगा मैं काम करता हूँ, मैं अपनी एक्टिंग को शेल्फ कर देता हूँ, डॉन 3 को शेल्फ कर देता हूँ, यहाँ पे ये फिल्म बनाता हूँ। लेट्स सी गाइस ये एक्सेल वाले फिलहाल क्या मूड में है, लेकिन गाइस फिलहाल यहाँ पर फैंस जो है रणवीर सिंह के पीछे पड़ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने झीले सर अनाउंस किया उसको शेल्फ करके डॉन 3 अनाउंस किया एंड वापस से सोचा अपनी एक्टिंग करने के लिए एंड वापस से अभी सोच रहे हैं कि एक्टिंग भी साइड में रखो डॉन 3 को भी साइड में रखो, क्रू को देखकर इनको लालच आ चुकी है इसलिए झीले जरा जो है बना रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं डॉन 3 शेल्फ, डॉन 3 शेल्फ लॉल फॉर आफ्टर क्रू फरहान डिसाइड मतलब डॉन 3 शेल्ड रणवीर गया। तो रणवीर सिंह के पीछे सोशल मीडिया जो है वो हाथ धोकर पड़ गया है एंड इतना हार्श रिएक्शन आते हैं। स्पेशली हमने देखा किस तरह से 2 दिन पहले भी जो खबरें आई थी यहाँ पर उसमें रणवीर को जो फिल्म की राक्षस जो है शेल्व हो गई थी उसके बाद ऑडियंस ने उसको टारगेट किया था, तो वापस फैंस जो है यहाँ पर रणवीर सिंह के अलग अलग नाम रखकर उनको टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे। तो लेट्स सी गाइस डॉन 3 बनती है नहीं बनती क्या होगा तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर आ रही है लाहौर 1947 से जो कि गाइस पीटी जिंता हैज गॉन कम्प्लीटली ओवर द टॉप। उन्होंने कहा एक ऐसी स्क्रिप्ट मैंने कभी देखी नहीं है, इतनी इंटेंस इतनी स्ट्रांग स्क्रिप्ट है इस फिल्म की कि इट इज अ वेरी रेलेवेंट फिल्म इन टूडेज टाइम। हमने बहुत मेहनत की है, हमसे बहुत मेहनत निकलवाई है राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के लिए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने सोचा कि आई सेड इवन इफ इट्स अ रोल ऑफ अ ट्री, इस फिल्म में एक झाड़ का भी रोल दिया होगा सनी देओल के सामने तो मैं डेफिनेटली जो है ये फिल्म जो है वो करना पसंद करूंगी एंड ऐसी फिल्म जो है बहुत रेलेवेंट है एंड जब ऑडियंस देखेगी ये फिल्म तो उनको बहुत मजा आएगा। लेट्स सी गाइस लाहौर 1947 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ये रिपब्लिक डे ये फिल्म आने वाली है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। अब अगली खबर है अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा से। तो गाइस अब अक्षय कुमार जो है यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है अपने करियर के इस मुकाम पर। अनफॉर्चुनेटली बड़ी सी बड़ी फिल्में जो इनकी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही है, अगर मैं OMG 2 को निकाल लूं जो कि ऑलमोस्ट पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म थी तो उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेने में असफल रही है। अगला उनका कदम रहने वाला है 12 जुलाई को सरफिरा। सरफिरा भी क्लैश फेस कर रही है इंडियन 2 के साथ। जॉन इब्राहिम आफ्टर पठान इज लॉस्ट इज पाथ ओवर हियर, उनका क्या सीन चल रहा है आफ्टर पठान इज टेकन ऑफ एंड इज टेकन डाउन लिटरली। उनकी फिल्म के बाद बायर्स भी आई थिंक नहीं बचे हैं यहाँ पर, तो वेदा वेड़ा जो भी है वो आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं, उसका कोई बज भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली जीरो राइट नाउ। अब गाइस बात करते हैं सरफिरा की। तो सरफिरा के प्रमोशंस जो है कहा जा रहा है कि चंदू चैंपियन जो है उसके साथ शुरू होने वाला है, तो आई थिंक एक मंथ का यहाँ पर जो कैंपेन रहेगा काफी क्रूशियल है। ऑडियंस को ये बिलीव दिलाना होगा कि हमारी फिल्म सूर्य पुत्रों से अलग है, ट्रीटमेंट अलग है, हमने यहाँ पर उड़ान से कुछ अलग बनाया है। लेकिन अगर ऑडियंस को लगा कि ये दोनों फिल्में ट्रीटमेंट वाइज एंड कंटेंट वाइज सेम है देन गाइस ऑडियंसेस विल चूज नॉट टू कम इन द सिनेमा हॉल। आई थिंक सरफिरा जो है उसकी ओपनिंग जो है वो भी 2-3 करोड़ के आसपास होगी। ऑल सडन डन गाइस उम्मीद है कि सरफिरा जो है बॉक्स ऑफिस पर डिसअपॉइंट ना करे। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर दशहरा पे। तो दशहरा पर सभी लोगों को मालूम है किस तरह से यहाँ पर 11th ऑफ अक्टूबर को जूनियर NTR की पैन इंडिया फिल्म देवरा जो है आ रही है। इसका रिसेंटली फियर सॉन्ग आया था एंड अब गाइस इसको टक्कर देने आ रही है एक बहुत बड़ी फिल्म। बहुत पहले हमने इसका टीजर रिव्यू किया था, उस फिल्म का नाम है मार्टिन। ध्रुवा सरजा की फिल्म है मार्टिन, बहुत बड़ी पैन
इंडिया फिल्म है, स्पेशली कनाडा में इट्स गोना टेक अ रिकॉर्ड ओपनिंग। बहुत वर्ष लगे इसको बनाने के लिए एंड कल इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि अक्टूबर 11 वर्ल्ड वाइड रिलीज। ध्रुवा सरजाज मार्टिन बड़ा सा पोस्टर रिलीज किया है, हीरो टैंक पे खड़ा हुआ है। लेट्स सी गाइस, दो फिल्में क्लैश होती है तो इसमें विजय ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर की फिल्म होगी, लेकिन मार्टिन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो गाइस जितनी खबरें थी अब तक की मैंने सब आपको बता दी है। हर खबर पे आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।